बार बार आपका पेपर साइज़ है वो मिसमैच हो रहा है और बार बार लोड पेपर का एरर आ रहा है, तो आप ये स्टेटस पेज रिपोर्ट जो काउंटर रिपोर्ट आप प्रिंट करो मशीन में से, और यहाँ पे फर्स्ट में आप चेक करो कि जो आपका साइज़ है वो यहाँ पे सेम है, A4 या A4 लीगल जो भी आपको चाहिए वो है, या फिर कुछ चेंज हो गया है। तो जैसे नॉर्मली जो साइज़ है वो हम लोग उसमें एमपी ट्रे जो है उसमें हम लोग लीगल रखते हैं कि भाई लीगल वहाँ से यूज़ करते हैं, और कैसेट जो है वहाँ पे हम लोग A4 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे A5 आ गया या दूसरा कोई साइज़ आ गया है, तो इसको डिफ़ॉल्ट में सेट कैसे करते हैं वो मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। तो आप क्या करो, सबसे पहले ये नॉर्मल मोड पे मशीन है तो आप ये सिस्टम मेनू काउंटर प्रेस करो, उसके अंदर आप 5 नंबर पे है कॉमन सेटिंग, कॉमन सेटिंग में जाइए, इसमें 5 नंबर ओरिजिनल पेपर सेट, उसके अंदर है 5 नंबर कैसेट 1। कैसेट 1 मींस कि ये वाले ट्रे के अंदर आपको कौन सा डिफ़ॉल्ट पेपर रखना है, तो इसमें हम लोग डिफ़ॉल्ट पेपर जो है वो A4 सेट कर देते हैं, पेपर साइज A4 और पेपर टाइप प्लेन, ये आपका हो गया यहाँ पे। फिर बैक करते हैं, उसके बाद आता है एमपी ट्रे मतलब ये वाला ट्रे कि यहाँ पे आपको कौन सा डिफ़ॉल्ट साइज रखना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लीगल रखना है तो आप इसमें एमपी ट्रे में जाइए, एमपी ट्रे साइज़ A4 है अभी, अगर आपको लीगल नहीं यूज़ करना है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट A4 रख दो, अगर कोई दूसरा चेंज हो गया है तो। तो जैसे मैं यहाँ पे लीगल कर देता हूँ, तो अभी मशीन यहाँ पे अगर आप पेपर रखोगे तो वो एज अ लीगल पेपर लेगा, तो आप इसको लीगल कर दो जो लीगल चाहिए तो, और टाइप में प्लेन हो जाएगा। अगर आपको लीगल की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ पे A4 कर लो, A4। तो अभी आपको जो मशीन है वो बार बार वो पूछेगा नहीं कि भाई कौन सा साइज़ का आपका पेपर है। ये देखिए पेपर का स्टेटस चेक करना है तो पेपर ये देखिए, फर्स्ट वाला जो कैसेट है वो A4 है, नीचे वाला जो ट्रे है ये वाला, ये आपका A4 हो गया दोनों। थैंक यू।